8 लाख होगा ना, और कर्मचारी 7 लाख हैं। कर्मचारियों का आज प्रमोशन 10 साल से रोके हैं। कोई भी पार्टी आ रहा है तो कोई निकाती के प्रमोशन इनका खोल दो, बेचारे रिटायर हो गए और मर गए। अपनी पत्नी का पर्चा वापस करवा लिए और अब साथ में ही हैं तो उनसे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और फिर किसी गांव में एकामई नहीं होती है, हम ये नहीं कहते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ त्यूनी गाँव में भाजपा का अच्छा वोट रहेगा। जो ऐसा गलत काम करते हैं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और वही भुगत भी रहे हैं उधर जहाँ है। लेकिन हमको लगता है कि आप थोड़ा सा सिद्धार्थ जी से नाराज लगे। नाराज है, उसको चाहते हैं कि जीत जाए वहाँ से, लेकिन पार्टी को नहीं चाहता हूँ जीते, यहाँ ना जीते, सिद्धार्थ जीते। हमका है मतदान, अपना अधिकार तो गोपनीय रखा जाए। आपकी बात भी हम गोपनीय रखेंगे। विरोध इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ के लोग श्रीनिवास तिवारी के व्यक्तिवाद पर थे। कभी भी जब भी वो चुनाव कहीं से लड़ती, उनके प्रचार में, उनके काम में, उनके साथ चलने में, कहीं जाने में आने में पूरे लोग उनके साथ थे। इसलिए एक को दुनिया नहीं आए, या 2-4 हज़ार रुपया दे दिया तो कहाँ से टाई लगाई तो हो जाते, बाकी अब कुछ नहीं आए। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबर द न्यूज। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, कभी इस जगह से, इस गांव से बिंध की सियासत धुरी पर नाचा करती थी। जिस जगह पर हम हैं ये एक तिराहा है, जो तिराहा पीछे की तरफ महमूदपुर गांव की तरफ जाता है, तो वहीं मेरे सामने रीवा मनगमा बाईपास की तरफ, वहीं अगर हम इधर बात करें तो ये सिरमौर की तरफ गुजरता है, बैकुंठपुर की तरफ जाता है। यही वो गाँव है जिसे त्यूनी के नाम से जाना जाता है। और जब त्यूनी की बात आती है तो श्रीनिवास तिवारी की बात आती है। वर्तमान दिनों में यह जगह जो है, या श्रीनिवास तिवारी जी का जो परिचय है, वो अमहिया निवास के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जब पैतृक भूमि की बात करते हैं तो त्यूनी ही वो जगह है जहां से कभी बिंध और मध्य प्रदेश की राजनीति इसी के चक्कर लगाया करती थी। यहाँ से कभी श्रीनिवास तिवारी जी विधायक होते थे, इस गाँव के ही वो थे जो कभी विधानसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित करते थे, तो कभी पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति की धुरी बनकर के उभरते थे। कभी दिग्विजय सिंह उनके दरबार में आकर के माथा टेकते थे, तो कभी सिंधिया आकर के माथा टेकते थे। लेकिन आज के क्या माहौल हैं, आज की क्या स्थितियां हैं, यहां पर हम इस स्थिति की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि राजनैतिक तौर पर श्रीनिवास तिवारी जी को पहली हार का सामना भी मनगमा से ही करना पड़ा था, जब मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी ने उन्हें हराया था। 2003 की ये बात थी। उसके बाद कितना बदला मनगमा, उसके बाद कितना बदला त्यूनी, और उसके बाद कितनी बदली बिंध की रियासत और सियासत, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कई वरिष्ठ जन। आइए अब उन्हीं के पास ले चलते हैं। आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हम द खबरदार न्यूज पर स्वागत करते हैं। शुरुआत हम आपसे करेंगे। आप जो है तो काफ़ी वृद्ध हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, आपका अनुभव क्या कहता है इस त्यूनी की धरती को लेकर के और मनगमा की सियासत को लेकर? जी, हमारे यहाँ ग्राम त्यूनी में अभी इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है, वो राज के आने से यहाँ पर दुगुना हो गया है। पहले भी यहाँ पर भाजपा जो है 1000 वोट से पाती थी, लेकिन इस समय भाजपा यहाँ पे 3000 से आगे वोट पाएगी राज के आने से। सिद्धार्थ तिवारी के दल बदलने के बाद यहाँ स्थितियाँ भाजपा के खाते में ज्यादा मजबूत हो गई? हाँ, ज्यादा मजबूत हो गई। तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि श्रीनिवास तिवारी जी की सारी उम्र कांग्रेस में खप गई। शुरुआती दिनों में भले वो सोशलिस्ट थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस में जब आए तो कांग्रेस के रह करके रह गए। तो अब जब सिद्धार्थ तिवारी ने भाजपा का दामन थाम लिया है, तो क्या इस चीज का गाँव में विरोध या नहीं हो रहा है कि मतलब एक पैतृक पार्टी जो थी जिसमें उनके दादाजी पूरा जीवन खपा दिए, पिताजी पूरा जीवन खपा दिए, उन्होंने इस पार्टी, उस विचारधारा को छोड़ दिया? विरोध इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ के लोग श्रीनिवास तिवारी के व्यक्तिवाद पर थे। कभी भी जब भी वो चुनाव कहीं से लड़ती थी, उनके प्रचार में, उनके काम में, उनके साथ चलने में, कहीं जाने में आने में पूरे लोग उनके साथ थे। इसलिए टिकट न मिलने के कारण उनको आक्रोश के कारण सब भाजपा में आ गए। और त्यूनी की जब बात की जाती है तो त्यूनी के तिवारियों की भी बात की जाती है, और यहाँ पर मैं तिवारी शब्द जाति विशेष के लिए नहीं उपयोग कर रहा हूँ,
जब त्योनी की तिवारियों की बात आती है, इसका मतलब है कि एक जागरूक राजनैतिक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो आज वो व्यक्ति कितना जागरूक है और आज की बिंध की सियासत में उसका कितना दखल है? जी, बहुत अच्छा दखल है। अब पहले भी दखल था, आज इस भाजपा में आ जाने से उनका बहुत अच्छा एक नंबर का बना हुआ है। सातों कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 10% का इजाफा हुआ। और एक सवाल और है कि अभी मौजूदा समय में भी श्रीनिवास तिवारी जी की पौत्र वधू अरुणा विवेक तिवारी जी कांग्रेस में ही हैं, तो उनके कांग्रेस में रहने से क्या कांग्रेस को असर फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है या सिद्धार्थ जी चले गए इसलिए नुकसान ही दिखाई देता है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो जहाँ जाए, सबको अलग अलग अपना अपना मत है। जैसे रीवा में बड़े भाई छोटे भाई दोनों लड़े हैं, विनोद उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ। यहाँ तो अपनी अपनी वो है कि कौन कुर्सी पा जाए, कोई ये नहीं देखता, कोई भाई भतीजा ना वो देखता, अपन अपन स्वार्थ सब देख रहे हैं। यहाँ उनके आने से वोटरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कर्मचारी जो हैं तो हम भी पेंशनर हैं, लेकिन हम भी खुद ही वोट नहीं देंगे, इसलिए नहीं देखे कि आज तक वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन 4 महीने से नहीं दिया गया, और पेंशनरों का पेंशन इतना मार देते हैं कि आज वो होता आज से साल भर बाद देंगे, तो साल भरे का 12 महीने का एरियर मारा गया, 32 महीने का एरियर पेंशनरों का मारा गया आज तक जब से ये सरकार रही। इसलिए हम ज़्यादातर ये कर रहे हैं कि कोई इनको बीजेपी को वोट न दे, जो हमारा बात मानेगा न मानेगा न मानेगा, हम तो अपना मतलब रखेंगे, सब अपना स्वार्थ रख रहे हैं, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत राय दे रहे हैं। और वो मान रहे हैं जो विकलांग है वो मान, उनका 4 महीने लाडली को तो दे दिया, और उनके उनको क्या दिया, वृद्धा पेंशन की मार दिया, 4 महीना से 1 पैसा बिचारों को नहीं आया, भटक रहे हैं बैंक के लगा के ये करो वो करो ये कर रहे हैं। अब भाई उनको तो पैसा दे दिया, उनके सास को लाडली बहनन के सास को नहीं दिया तो वो वोट देंगी? एक मिली है हमको बुढ़ी, कही कि राणा भरे ले हम काहे के वोट दें, हमका तो गरिया होती है पैसा लेके यहीं तो ले आई तो अपना खाती है पेट भीतर घुस के रे, हमका एक थैला नहीं देती, राणा भरे ले ही वोट वो ले ले। आप एक पुराने पेंशनर है, मतलब रिटायर्ड कर्मचारी है, तो एक सवाल ये है ओपीएस का भी, मध्य प्रदेश के सारे कर्मचारी कहीं ना कहीं ओपीएस की मांग लगातार कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, लेकिन हड़ताल किया गया, कुछ किया गया, पेंशनरों का 49 के लिए शिवराज सिंह के लिए कहा गया, पेंशनर लोग धरना दिए, लेकिन 49 नहीं हटाया आज तक। छत्तीसगढ़ जब अनुमत दे तब पेंशनरों का पेंशन देते हैं, नहीं तो कर्मचारी बोले कि 49 हटा दिए, आज 15 साल से रगड़ा खा रहे हैं। कोई भी पेंशनर ये शिवराज आश्वासन देते रहे मुख्यमंत्री जी, लेकिन 49 नहीं हटाए। इसका पूरे प्रदेश में असर पड़ता, पूरे प्रदेश में असर पड़ेगा, पूरे प्रदेश में असर पड़ेगा। जो हाँ खास कर हैं आरएसएस हैं वो देंगे सब पूरे, ये नहीं कि 100% पड़ेगा। जो आरएसएस है एकदम पक्का हाफ पैंट पहन के जी जूता पहन के सवेरे से डंडा लेके युद्ध करते हैं वो देंगे, बाकी तो नहीं देंगे। जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं ज़्यादातर कांग्रेस को देंगे, सपोर्ट करेंगे, और काटेंगे कांग्रेस का वोट। जब 5-6 लाख पेंशनर हैं, अगर 10-10 वोट भी काटेंगे तो 60 लाख होगा ना, और कर्मचारी 7 लाख हैं, कर्मचारियों का आज प्रमोशन 10 साल से रोके हैं, कोई भी पार्टी आया है तो कोई निकाती के प्रमोशन इनका खोल दो, बेचारे रिटायर हो गए और मर गए है? बीच में 15 महीने 18 महीने की कांग्रेस की सरकार आई थी, तो उसने कुछ किया था? किया था, पेंशनर बिदारे 3 से पाते थे, अच्छा सा किया वही ना किया कांग्रेस ने, ये 15 साल रहे लगातार तो पेंशनर बेचारे 3 से में का पाते हैं, कहते हैं हम सब्सिडी गैस का, जब हम 950 गए एजेंसी में दिए 950, तब ने हमको सिलेंडर दिया, फिर वही हमारा 450 लौटा दिया, मतलब हमारे पैसे में खेल कर रहे, हमारे पैसे ने खेल किया, हमको सब्सिडी न दें 450 हमारा गैस सिलेंडर में हम दें एजेंसी में जाके पैसा, हाँ सब्सिडी न दें 450 में हमको सिलेंडर दें तो हम माने, ये हमारे पैसे में खेल कर रहा शासन जो है, हमारे पैसे में खेल हुआ, 950 हम गए ये तो हमारा 450 लौटा दिया, काहे की सब्सिडी। और कमलनाथ तो कहें कि हम 500 में देना पड़ेगा, हम एजेंसी को पैसा देंगे, एजेंसी को पैसा। और है आप युवा हैं, जब मनगमा की हम बात करें, यहाँ से पंचूलाल जी विधायक हुआ करते थे, इस बार जिला पंचायत चुनाव हुआ, उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई जिला पंचायत जैसे चुनाव में, और फिर नरेंद्र प्रजापत को जब टिकट मिलता है तो पंचूलाल की पत्नी यहाँ से फिर से नामांकन दाखिल करते हैं, फिर किसी कारणवश वापस ले लेती हैं, तो इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं और क्या नरेंद्र प्रजापति के चुनाव में इसका कोई असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? कोई असर नहीं है नरेंद्र प्रजापति के चुनाव में, क्योंकि वो मात्र वो बोले भी थे ये पंचूलाल
कि हमसे कोई बड़े नेता बात नहीं किए हैं, और हमसे जब तक बड़े नेता बात नहीं करेंगे तो इसलिए हम पर्चा डाल रहे हैं, उन्होंने बोला था। फिर जब उनसे बड़े नेता आए और यहाँ बात कर लिए तो हो गया, वो अपनी पत्नी का पर्चा वापस करवा लिए और अब साथ में ही हैं, तो उनसे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और फिर किसी गांव में एकामई नहीं होती है, हम ये नहीं कहते हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ त्यूनी गांव में भाजपा का अच्छा वोट रहेगा। और एक चीज़ ये है कि बबीता साकेत भी चुनावी मैदान में है, वरुण अम्बेडकर हैं एक तरफ प्रीति वर्मा है और एक तरफ रामायण साकेत हैं, ये कई सारे उम्मीदवार हैं। और जब सीट आरक्षित होती है तो एक विशेष वर्ग से ही लोग प्रत्याशी होते हैं, तो इसका सामान्य वर्ग के वोटरों पर क्या असर पड़ता है? क्या प्रत्याशियों की जगह सिर्फ पार्टी देखी जाती है या प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि भी मायने रखती है? नहीं, व्यक्तिगत छवि मायने रखती है, और व्यक्तिगत छवि में भी जो नरेंद्र प्रजापति हैं वो उनसे लाख आगे हैं, कोई ये नहीं है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, हैं अच्छे हैं। उसके बाद भी पहले भी वो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में पहले जुड़े थे और यहाँ हमारे यहाँ घूम चुके हैं, काफ़ी काम कर चुके हैं, काम का मतलब सबसे मिले जुले थे, वो कोई नए प्रत्याशी नहीं है यहाँ के लिए। एक बात आती है कि वो सुंदर लाल जी के चेले हैं। चेले हैं, हैं सुंदर लाल के साथ में वो रहते भी थे और वो हर जगह है, वो अपना नाम लिखते थे जगह जगह इंजीनियर नरेंद्र प्रजापत और पंजे का चुनाव चिन्ह बनाते थे। तो इसके लोग भी जो मौजूदा समय में है उनको थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल देंगे, और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है अपना अपना स्वार्थ सब कोई देखता है, हम ये नहीं कहते हैं, तो उसके चलते कोई ना कोई कुछ न कुछ कारण बनेगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भाजपा यहाँ एक नंबर में रहेगी। एक सवाल और है कि जो सीट आरक्षित कर दी जाती है फिर पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, वो आरक्षण हटता नहीं है। जैसे रहगांव एक सतना में विधानसभा सीट है, वो भी आरक्षित सीट है, वहाँ से छः बार जुगल किशोर जी चुने गए, फिर उसके बाद अब कल्पना वर्मा चुनी गई, इस बार फिर से वही लोग चुनावी मैदान में है। तो एक सीन ये देखने को मिलता है कि जो ओबीसी वर्ग है और जो सामान्य वर्ग है उनकी राजनैतिक एक लोकप्रियता जो है या फिर एक जागरूकता होती है घट जाती है, उनको लगता है कि हो गया कोई भी जीतेगा। तो क्या आप लोगों को ये लगता है कि समय समय के बाद परिवर्तन होना चाहिए आरक्षण में और दूसरी सीटों पर ही जाना चाहिए, क्या मानते हैं? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होने से जनता को फायदा रहता है, और परिवर्तन न होने से कंटक राज्य करते हैं। जहाँ परिवर्तन होगा जिस प्रदेश में, उस प्रदेश की ज्यादा विकास हो रहा है, यहाँ विकास क्या हो रहा है? परिवर्तन के अलावा वो भी परिवर्तन होना चाहिए, जो ये आरक्षण है ये आरक्षण भी हटना चाहिए, और यहाँ से ये भी सामान और कहीं दूसरे विधानसभा सीट को मनाना चाहिए, और जो नियम है कि हर बदल के तो ये करना चाहिए, नहीं तो आदमी पर हाँ दूसरों मौका मिले नहीं, परेशान रहता है आदमी, हो गया वोट तो करना ही है, ये नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अब हम कोई प्रजापति है कोई साकेत है इससे मतलब नहीं रहता है, लेकिन बदलना चाहिए। और यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब दूसरी सीट को आरक्षित कर दो दूसरी बार, वहाँ पर किसी दूसरे को मौका, वर्षी 10-15 वर्षी बाद आरक्षण हटाते हैं, मनगवा हो गया, मनगवा दूसरा होगा, दूसरा कोई कर देंगे, सबको मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस की है कि सत्ता बदलो सीधा सीधा, ये सब जब वो हो जाते हैं कई साल से सत्ता में है तो एक दूसरे कुछ सुनते नहीं है, उनके पास चला जाए मंत्रियों के पास तो कहते हैं कहाँ के हैं, मैं नहीं चिंता, पूंजीपतियों के अलावा किसी की सुनते नहीं है, पूंजीपतियों के अलावा। प्रदेश की जब हम बात करते हैं, प्रदेश के जो दौरे करते हैं तो वहाँ पर एक चीज दिखाई देती है कि लोग कहते हैं चुना तो पिछली बार भी कांग्रेस को था लेकिन 22 लोग चले गए और सरकार गिर गई, क्या भरोसा कि इस बार भी 12 लोग चले जाएं और फिर टूट जाए, तो इसलिए थोड़ा सा एक नकारात्मकता है, इसे किस नजरिए से? नहीं, इसमें ऐसा है कि अगर कांग्रेस, अगर कोई भी पार्टी अगर अच्छे बहुमत से जीते तो ऐसा सब नहीं हो सकता है, लेकिन अगर 2-4 सीट इधर उधर रहेगी और उनकी जो वो स्वार्थ के लिए जो विधायक लड़े हुए हैं उनका स्वार्थ नहीं पूरा होगा, वो ऐसा काम कर देते हैं, बदल जाते हैं कि भाई हमको 7 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, अब हम जिंदगी में कभी कमा नहीं पाएंगे तो चलो एक बार ले लो जाओ, तो ऐसा काम वो करते हैं। लेकिन और अगर अच्छे बहुमत से कोई भी भाजपा हो कांग्रेस हो अच्छे बहुमत से अगर जीतेगी तो ऐसा नहीं होगा। और क्या जनता को भी छोड़ करके जो तो सिखाना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो ऐसा गलत काम करते हैं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, और वही भुगत भी रहे हैं उधर जहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ तो जो है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ क्योंकि
अब ये भी सिद्धार्थ तिवारी भी यहाँ भाजपा में चले गए हैं, तो अब उनका ये गांव है, थोड़ा सा दुगनी हुई है भाजपा की, एक भाजपा का हाँ 2000-4000 वोट हर विधानसभा में प्लस होंगे और हुए भी हैं। अभी विधायक अध्यक्ष साहब ने खुद कहा है कि हमारे देव तालाब में हमको 5000 से 10000 वोटों का फायदा हुआ है, हैं बोले हैं वो, तो हम लोग भी मानते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि दादा का यहाँ हर विधानसभा में उनके कार्यकर्ता थे, बिंध के थे, और हमारे खासतौर रीवा में ज़िले में उनका तो बहुत ही प्रभाव था, तो वो असर पड़ेगा। और हम लोग चाहते भी हैं कि भाजपा हमारे यहाँ से जीत जाए, क्योंकि ये भी उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जीत के जाए और त्योथर से राज जीत के जाए, और आगे का हम जानते नहीं हैं, क्योंकि दूसरे क्षेत्र में आने जाने का कोई हमारा वो नहीं है। जो एक सवाल अब मैं आपसे पूछूंगा, आप चूंकि सयाने व्यक्ति हैं, सिद्धार्थ जी ने जब दल को बदला और भाजपा में शामिल हुए, क्या वो गांव में आए थे और राय ली थी आप लोगों से? नहीं, किसी से राय नहीं लिया, अपने आप मनमानी गए लिए या पार्टी में चले गए, क्या किसी से राय लेंगे? जो बड़े लोग होते हैं किसी से राय नहीं लेते, बड़े लोग जो कर ले वो नियम बन जाता है, वो छोटों के लिए आपत्ति होती है। बड़े लोग आपने कह चले राज ले लिए, काहे को राज लेंगे? और उनके जाने से 100% नहीं है कि उनके जाने से सब कांग्रेस में बीजेपी में हो जाएंगे। इस बार त्यूनी में ही बीजेपी को कम वोट मिलेगा, कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिलेगा। हाँ, और जगह है नाराजगी है उनके जाने से? नहीं, हमको प्रसन्नता है कि राज वहाँ से जीत जाते हैं, उधर से अपने घर का है, लेकिन भाजपा में जाने हमारे वोट देने से वो सिद्धार्थ जीतेगा या हारेगा नहीं, हमको तो यहाँ वोट देना है। हम चाहते हैं कि सिद्धार्थ वहाँ जीते, जो अपने नात रिश्तेदार हैं उनसे कह रहा हूँ कि सिद्धार्थ को वोट दो, सिद्धार्थ को जिताओ, लेकिन मैं यहीं यहाँ यहाँ नहीं कहूँगा कि त्यूनी में बीजेपी को वोट दो, और हर जगह जहाँ जाता हूँ हर जगह कहता हूँ कांग्रेस को वोट दो। मेरा सवाल उनके शामिल होने को लेकर के है कि मतलब जैसे शामिल कुर्सी सब देखता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया रे और बड़े बड़े उनसे भी जब बड़े महान नेता हैं क्यों मिल जाते हैं, क्यों पार्टी छोड़ दिए? हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या वो गांव में आए थे बुजुर्गों के साथ बैठे और फिर राय मशविरा किया कि जो तो मतलब मैं पार्टी छोड़ना चाहते छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना? इतना आनंद पूछ रहे हैं, चीजें ये सब हुई, इतना जल्दी हुआ कि जब उनको टिकट नहीं दिया गया फिर वो परेशान टाइप के हो गए और सीधे यहाँ से भागम भाग चले गए, हो गया वहाँ गए भाजपा से उनको आश्वासन मिला और टिकट भी मिला, चुनाव मैदान में भी है, कोई दिक्कत? शामिल होने के बाद गांव आए, शामिल होने के बाद गांव आए तो आप लोग वहाँ स्कूल बैंक से बैठे थे, कई लोग पान के दुकान में गाँव के कई लोग बैठे थे, तो सिद्धार्थ निकल गए ऐसे कांच बंद करे काला फिल्म वाला, तो वहीं को लोग कहे कि देखो ये चुनाव वाले रहे यहाँ, अरे हम गांव में आए हो कम रुक जाओ, 10 जन बैठे हैं, शीशा खोल लो, आओ कक्का बाबा आए गए हैं, चलिए अपने बच्चे दो घंटे कहा लागे के दिखा है कर लदनी पोर के। वो क्या था? वो अपने घर में सारी व्यवस्था किए हुए थे बैठने की व्यवस्था थी सर जी, जहाँ ऐसे अब हम बैठे हैं चार लोग तो यहाँ वो नहीं रुके, जब वहाँ सबको बुलाए हुए कोई बैठे वो सीधे चले गए और वहाँ गए, वहाँ मीटिंग थी उनकी, सबसे वो मिले, सबसे बोले कि ऐसा हम कर दिए, क्या गलती किए हैं, हमको ऐसा करना चाहिए कि ना करना चाहिए, जितने लोग वहाँ हजारों हजार की भीड़ थी सभी लोग बोले कि आपने अच्छा किया है, वो भी बोले कि अब आप हमारी मदद करिए, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं मैदान में, सब कोई अपने अपने घर से किसी न किसी उससे अपने नात रिश्तेदार उसके अलावा भी जो है, तो हमारे साथ वहाँ सब त्योंथर चले और प्रचार त्योनी से गए हैं लोग वहाँ त्योंथर में प्रचार कर रोजाना जाते हैं 200-200 त्योनी से जितने लोग जा रहे हैं उसका बुरा असर भी पड़ रहा है, वहाँ कह रहे हैं क्षेत्र में कि त्योनी वाले आगे जिता लेंगे, त्योनी वाले वोट डालेंगे कि हम लोग वोट डाले, बात नहीं है कि अब ऐसा नहीं है, हम कुछ लोगों से सुने हैं बता रहा हूँ सही सही, हम चापलूसी वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, अपना अपना मत है, वहाँ के लोग जिस दिन पर्चा भरे हैं वो जिस दिन पर्चा भरे हैं, तो हम लोग रीवा में थे, वहाँ के लोग त्योंथर वाले ये बोल रहे थे कि आप लोग आइए, हम लोग आपको वहाँ आइए और आप लोग प्रचार करिए, त्योंथर वाले जितना कूदेंगे वहाँ उतने वोट कटेगा, हमारे रिश्तेदार स्वयं कहते हैं कि हमारे गाँव का ताबत कूदा था भाई, ऐसे जब जीत जाए जगह। लेकिन दादा हमको लगता है कि आप थोड़ा सा सिद्धार्थ जी से नाराज लगे, नाराज है, उसको चाहते हैं कि वो जीत जाए वहाँ से, लेकिन पार्टी को नहीं चाहता हूँ जीते, यहाँ ना जीते सिद्धार्थ जीते, उनसे कहता हूँ नाद रिश्तेदारों से कि उसको भाई वोट दो, लेकिन ये नहीं कि उसको हम कहते हैं हमारे वोट से जीते तो हम आज भी उसको वोट दें, यहाँ खड़ा होता तो हम आज उसको वोट दें। जब ये बताइए कि जब ये बाबा जी हमारे हैं जब ये कहते हैं अपने नाथ को कि वहाँ भाजपा को वोट दो और वो कहते हैं कि भाजपा को यहाँ वोट दो, वो हमसे पूछे, हमारा एक रिश्तेदार है पूछे, भाई ने पूछा
कि न मामा आपका सिद्धार्थ पहचाना था कहा, तो हम बोले कि सिद्धार्थ हमका नहीं पहचाना है। तो कहें जब हमारा कोनो काम पड़ी तो हम के लेके जाब, अपनों के लेके जाब तो अपनों को नहीं पहचानी, हमको नहीं पहचानी तो हम कब वोट दे फिर। तो कहीं यहाँ पहचाने तो नहीं, हमका नहीं है कब, अब तू जाना समझा भाई, हम नहीं जानी। या कहा कि सिद्धार्थ का जीता आया एक बार वहाँ से, लेकिन यह हमने कहा कि यहाँ से बीजेपी जीता कि अंतर जीता है, वो आज के संतान में नहीं होगी छवि, वो उनकी छवि अलग रहेगी, लेकिन हम चाहें कि हमारी अगली पीढ़ी में वही छवि रहेगी, इतना रहेगी। यही क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल परिवर्तन की लहर है, लेकिन किसी को कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता मतलब थोड़ा सा खुल के बता। नहीं पूछना क्या चाहते हैं? ये पूछना चाहते हैं, जैसे आपने परिवर्तन की लहर की बात की, लेकिन किसी को कहा नहीं जा सकता है, इस चीज को लेकर के हम जानना चाहते हैं। परिवर्तन की लहर, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो रोड का आदमी हूँ, रोड में रहेगा ये लोग तो जो है तो है, बाकी तो आपको रिपोर्ट मिली होगी, बाकी बात क्या जाता रहा, घर घर रिपोर्ट थोड़ी लिया हूँ। आप भी तो नागरिक हैं, आप भी तो जनता हैं। हम अपने लिए हैं, बस दूसरे के लिए थोड़ी है नागरिक, ये हमारी व्यक्तिगत मंशा है, मतदान अपना अधिकार है, वो गोपनीय रखा जाता है। आपकी बात भी हम गोपनीय रखेंगे। और अंत में यही सवाल कि जो है तो इस चुनाव को एक पेंशनर के तौर पर आप कैसे देखें? पेंशनर के तौर पर नहीं, मतदाता के तौर पर, मतदाताओं से मैं बात करके बोल रहा हूँ, मतदाताओं की मंशा तक समझ के बोल रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन होगा। यहाँ भी मनगवा विधानसभा में बबीता साकेत अच्छे वोटों से जीतेगी, हाँ नरेंद्र प्रजापति वो नहीं जीतेंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। तो ये थे कुछ लोग त्यूनी ग्राम पंचायत के, और जिन्होंने अपनी राय के माध्यम से त्योथर के साथ साथ जहाँ पर सिद्धार्थ तिवारी इसी त्यूनी गाँव से बढ़े पड़े जो है तो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके राजनैतिक भविष्य के साथ ही साथ मनगवा विधानसभा के राजनैतिक भविष्य को लेकर के भी चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी, और साथ ही साथ यह भी उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियाँ, जो वास्तविक रिपोर्ट्स हम आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, वो आपको अच्छी लगेंगी। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ, कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं अनुपम अनूप, नमस्कार, धन्यवाद। अब हम घर का तो धान ताके रही थे, दिन में कहूँ नहीं जाई जाने के प्रचार करें, मैं कहूँ कुछ। चलिए आप धान ताकते हैं तो धान की चर्चा करते हैं। आवारा पशु जो है तो क्षेत्र में बहुत ज्यादा आतंक मचाए हुए हैं, कैसे समाधान होगा, क्या सुझाव है? सुझाव यह है कि कैसेनों के बाहर हटाए जाए, मरी खेती करे और सगली रात धान ताके बैठे मरैया बनाए वहीं सोई थे। तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि देती है किसानों को, और कहती है कि किसानों की आय हमने दोगुना की है, कितनी सच्चाई है? एक को दुगुना नहीं आया, या 2-4 हज़ार रुपया दे दिया था, कहाँ जोताई लदाई को हो जाता है, बाकी अब कुछ नहीं आया। और ये बताएं कि मतलब आवारा पशु जो है वो कहीं ना कहीं आते तो हमारे बीच से ही हैं, तो उसको कैसे समाधान किया जाए? क्योंकि एक चीज और है, जगह जगह पर गौशालाएं बनाई जा रही है, लेकिन फिर भी आवारा पशु लगातार बढ़ रहे हैं, गौशालाओं का क्या हो रहा है? गौशाला कहाँ अभी कंप्लीट नहीं भी आई अपने एंट्री में, मेरी माई बी एक्ट बनी हमारे बाहर, तो वहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया मवेशी के वो वह नहीं करते हैं।